दोस्तों, हर स्कूल के क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जिससे कोई भी बात नहीं करता, और वो बच्चा भी चुपचाप बैठा रहता है। और आज की हमारी हॉरर कोरियन मूवी जिसका नाम है द चाइल्ड हु वुड नॉट कम बैक, एक ऐसे ही बच्चे के बारे में है। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर यह मूवी ज़्यादा डरावनी नहीं है। IMDb ने इसे 6.3 out of 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.5 out of 10 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी असल में एक डिमोनिक एंटिटी के बारे में है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द चाइल्ड हु वुड नॉट कम बैक मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हम सोआ नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। सोआ असल में एक ट्रेनी टीचर है जिसको पास के ही एक स्कूल में टीचिंग सीखने के लिए जाना है, और आज उसका पहला दिन है। वो घर से तैयार होकर बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि सोआ का दरवाज़ा ढंग से बंद नहीं होता। इस सीन में सोआ के पीछे से एक लड़की निकलती है, और जब सोआ अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुँचती है तो उसे उसी लड़की का सामान ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है। सोआ सामान को उठाने के लिए नीचे झुकती है, पर तभी कुछ खून की बूंदें उसके चेहरे पे आ जाती है और सोआ देखती है कि उस स्कूल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है, पर मरने के बाद भी वो लड़की क्रीपी तरीके से हंस रही थी। इस हादसे के बाद सोआ स्कूल नहीं जाती और वो कुछ दिनों के लिए एक शमन के घर चली जाती है, जहाँ पे कुछ दिनों बाद सोआ को वो शमन समझाती है कि उसे अब फिर से अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट डे सोआ स्कूल जाती है, जहाँ पे वो मिलती है ताइग्यू नाम के एक टीचर से, और ताइग्यू को ही सोआ को टीचिंग सिखानी है। वो दोनों थोड़ा एक दूसरे से बात करते हैं और ताइग्यू को सोआ पसंद आने लगती है। सीन अब क्लासरूम में जाता है, जहाँ पे सोआ सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद ताइग्यू अटेंडेंस लेना स्टार्ट करता है। ताइग्यू अटेंडेंस लेते वक्त रोल नंबर 11 का नाम नहीं लेता, और सोआ देखती है कि रोल नंबर 11 एब्सेंट है, और उस एब्सेंट बच्चे का नाम होता है बूयंग। अब क्लास के बाद सोआ स्कूल की चार लड़कियों के पास कुछ खाने का सामान लेके जाती है, और वो उन चारों के साथ बैठ के बूयंग के बारे में बात करती है। बातों में सोआ नोटिस करती है कि कोई भी बूयंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, और बूयंग एक ऐसा बच्चा है जो जब स्कूल आता था तो उससे कोई भी बात नहीं करता था, और अब अचानक से उसने स्कूल आना बंद कर दिया है, पर किसी को उसकी कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ताइग्यू सोआ को लंच पे साथ चलने के लिए बोलता है, पर सोआ मना कर देती है क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। स्कूल के बाद सोआ अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच पे मिलती है, जिसका नाम है कांग डोंग ही, पर कांग डोंग ही सोआ के लिए थोड़ा ऑब्सेसिव होता है। नेक्स्ट डे फिर से सोआ देखती है कि बूयंग फिर से एब्सेंट है, और वो क्लास के बाद बूयंग के बारे में ताइग्यू से पूछती है, पर ताइग्यू को भी कुछ भी नहीं पता था कि बूयंग स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। इसके बाद सोआ अटेंडेंस रजिस्टर में से बूयंग की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है, और वो बूयंग के घर पे फोन करती है। फोन कोई भी नहीं उठाता, और तभी सोआ को क्लास के बाहर एक शैडो फिगर दिखती है जो गेट खोलने पे वहां से गायब हो जाती है। अब स्कूल के बाद सोआ फैसला करती है बूयंग के घर जाने का, और अब हम रास्ते में सोआ के पास दो वाइट स्क्रैच मार्क देख पाते हैं, और अब ये मार्क्स सोआ का पीछा पूरी मूवी में करते रहेंगे। सोआ अब पहुंचती है बूयंग के घर, और बूयंग का पूरा घर भूत भगाने वाले चार्म से भरा हुआ था। सोआ अब दरवाज़ा खटखटाती है, पर गेट ऑलरेडी खुला हुआ था, और इसलिए सोआ घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ होता है, और सोआ वरांदे से गुजरने के बाद एक गेट के पास पहुंचती है, और वो बूयंग को आवाज मारने लगती है। बूयंग गेट पे आ जाता है और सोआ उससे पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। बूयंग इसके जवाब में बोलता है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे उसकी पागल माँ ने इस कमरे के अंदर लॉक कर दिया है। बूयंग अब सोआ को बताता है कि चाबियां कहाँ पे हैं, और सोआ चाबी से ताला खोलकर बूयंग को आजाद कर देती है, और अब सोआ वहां से जाने लगती है। सोआ के सामने अब
अचानक ही बोयंग की भयानक माँ आ जाती है और बड़े ही क्रीपी तरीके से वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस चीज़ को आज़ाद कर दिया है। बोयंग की माँ को अब अचानक ही खून की उल्टी हो जाती है और ये देखकर सोआ वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे फिर से बोयंग स्कूल नहीं आता और एक बार सोआ उसके घर फिर से चली जाती है और बोयंग बोलता है कि अब उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है और वो कल से स्कूल जरूर आएगा। अगले दिन बोयंग स्कूल पहुंच जाता है और सोआ उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर क्लास के बाद ताइग्यू सोआ को बोयंग से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि ताइग्यू के हिसाब से बोयंग के आसपास हमेशा नेगेटिव चीज़ें होती है। थोड़ी देर बाद लंच होता है और कोई भी बच्चा बोयंग से बात नहीं करता और इसलिए सोआ उसके पास जाके बैठ जाती है। सोआ बोयंग से उसकी मम्मी के बारे में पूछती है पर बोयंग सोआ को कुछ अजीब बातें बोलकर वहां से चले जाता है और बोयंग के उठते ही सोआ को वही निशान दिखता है, पर इस बार वो निशान बोयंग की माँ के दांतों से बना हुआ था और ये देखकर सोआ डर जाती है। इसके बाद बोयंग जाके एक लड़ाई में फंस जाता है और कुछ लड़के उसे पीटने लगते हैं। सोआ वहाँ पे आके लड़ाई को रोक देती है, पर इस सब के बाद मिनजी नाम की एक स्टूडेंट सोआ के पास आती है और वो सोआ को बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे बोयंग उसके साथ कुछ करने वाला है, क्योंकि जो कुछ देर पहले लड़ाई हुई थी वो बोयंग और मिनजी के बॉयफ्रेंड के बीच में हुई थी। सोआ मिनजी को समझाती है कि बोयंग कुछ भी नहीं करेगा और इसके बाद मिनजी टॉयलेट में जाके बैठ जाती है। टॉयलेट में एक लड़का एक बॉक्स को मिनजी के पास छोड़ जाता है और उस बॉक्स के अंदर मिनजी की एक वूडू डॉल होती है, जिसे देखकर मिनजी बुरी तरीके से डर जाती है। अब रात को जब सोआ घर जा रही होती है तो उसे अपने सामने एक शैडो फिगर दिखाई देती है। वो फिगर अचानक ही गायब हो जाती है और सोआ के पैरों के पास फिर से वही मार्क बन जाता है। अब तभी सोआ के पास ताइग्यू आ जाता है जो सोआ को घर छोड़ने की बात करता है। सोआ ताइग्यू को मना करती है और वो घर जाने लगती है, पर ताइग्यू सोआ का जबरदस्ती पीछा करता है और तभी कांग डोंग ही वहाँ पे आ जाता है। कांग डोंग ही ताइग्यू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इस बात पे अगले दिन कांग डोंग ही सोआ से लड़ाई कर लेता है और सोआ गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद क्लास में अचानक ही सोआ की नाक से खून निकलने लगता है और बोयंग उसे अपना रुमाल देता है और ये बात क्लास को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। अब लंच टाइम पे हमें मिनजी को दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शांत थी। मिनजी अब अपना सैंडविच खाती है पर तभी उसके मुंह में से बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं और सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। सीन जाता है नर्सिंग रूम में जहाँ पे सोआ मिनजी के पास आती है और मिनजी सोआ को बोलती है कि उसे पूरा यकीन है कि बोयंग ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया है। सोआ मिनजी को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अब सोआ खुद भी डरने लगती है। इसके बाद सोआ बोयंग से हॉलवे में टकरा जाती है और सोआ देखती है कि बोयंग के हाथ में वो रुमाल है जिसमें सोआ का खून लगा हुआ था। सोआ डरते हुए बोयंग से वो रुमाल छीनने लगती है पर बोयंग उसका हाथ पकड़ लेता है। सोआ को बोयंग से बहुत क्रीपी वाइब्स आने लगती है और इसलिए वो टॉयलेट में भाग जाती है। टॉयलेट में अब सोआ को कुछ अजीब आवाजें आने लगती है और उसे एक पल के लिए एक भयानक एंटिटी दिखाई देती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है और सोआ बुरी तरह डर जाती है। रात के टाइम भी सोआ को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो और सोआ ढंग से सो भी नहीं पाती। अब नेक्स्ट डे स्कूल में मिनजी को दिखाते हैं जो आर्ट रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाती है, पर उसके सामने एक मैनिकन का विग गिर जाता है। मिनजी उस विग को उठाती है पर तभी बहुत सारे बाल उसके पैरों के नीचे से निकलते हैं और मिनजी चिल्लाती है। मिनजी की चीख सुनकर सोआ वहां पे आती है और वो डरी हुई मिनजी को संभालती है। इसके बाद सोआ जाती है ताइग्यू के पास और वो उससे पूछती है कि आखिर सब लोग बोयंग से क्यों डरते हैं। इस बात के जवाब में ताइग्यू सोआ को युनमी नाम की एक लड़की से बात करने के लिए बोलता है जो क्लास में ज़्यादा बात नहीं करती। अब सोआ जाके युनमी से बात करती है और वो उससे बोयंग के बारे में पूछती है। युनमी बताती है कि उसकी एक दोस्त थी जिसने कुछ दिनों पहले ही सुसाइड कर लिया है और उसकी सुसाइड से कुछ दिनों पहले से ही बोयंग अजीब बिहेव करने लगा था और जिस दिन उस लड़की ने सुसाइड किया था उसी दिन से बोयंग ने स्कूल आना बंद कर दिया था। और दोस्तों, जिस लड़की की युनमी बात कर रही है वो असल में वही लड़की है जिसने मूवी की शुरुआत में सुसाइड कर लिया था।
युनमी यहाँ पे अब सोआ को एक दूसरी लड़की का नाम भी बताती है जिसने अब स्कूल चेंज कर लिया है, और अब सोआ उस दूसरी लड़की के घर जाती है और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से सोआ समझ जाती है कि बुयंग के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद हमें मिंजी को दिखाते हैं जो बुयंग को खुद से दूर रहने के लिए बोलती है, पर बुयंग मिंजी से क्रीपी बातें करने लगता है। और थोड़ी देर बाद जब मिंजी टॉयलेट में जाती है तो उसके सर के बाल टूट टूट कर गिरने लगते हैं और मिंजी चिल्लाती है। दूसरी तरफ हमें सोआ को दिखाते हैं जिसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिस स्कूल में सोआ काम करती है उसी स्कूल के अंदर एक डिमोनिक एंटिटी का वास है जो मासूम बच्चों का शिकार करती है। अब रात के टाइम सोआ परेशान होती है और तभी उसका मेन डोर अपने आप खुल जाता है। सोआ उस दरवाजे को बंद करने जाती है पर तभी उसे एक डिमोनिक एंटिटी बुरी तरीके से डरा देती है और सोआ रोने लगती है। सीन यहां से बुयंग पे जाता है जो गलियों में घूम रहा था, और वो पहुंचता है उन दो लड़कों के पास जिन्होंने बुयंग को लड़ाई में पीटा था। बुयंग अब उन दोनों लड़कों के पास जाके कुछ क्रीपी बातें करने लगता है, और जब वो दोनों लड़के बुयंग को मारने के लिए आते हैं तो बुयंग एक आयरन रॉड से दोनों को बुरी तरह पीटता है और फिर उन दोनों को मार डालता है। उन दोनों लड़कों के साथ उस जगह पे एक तीसरा लड़का भी था जो ये सब देखकर छुप जाता है, पर एंड में बुयंग उस लड़के को भी ढूंढ लेता है और उसे भी मार डालता है। अगले दिन सोआ को उन तीनों लड़कों की मिस्टीरियस डेथ के बारे में पता चलता है, और उस पूरा दिन बुयंग सोआ को देखकर मुस्कुराता रहता है। क्लास के बाद बुयंग टीचर्स रूम में आता है और वो सोआ को डेट पे चलने के लिए बोलता है, पर ताइग्यू इस बात पे बुयंग का मजाक उड़ाने लगता है। बुयंग ताइग्यू से भी उल्टी जमान लड़ाने लगता है और ताइग्यू को गुस्सा आ जाता है, पर सोआ ताइग्यू को शांत कर देती है। अब उस रात को सोआ अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई को सॉल्व करती है, और नेक्स्ट डे सोआ का दरवाज़ा पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। दरवाज़ा ठीक करवाते करवाते सोआ लेट हो जाती है, और फिर आर्ट क्लास में ताइग्यू सब बच्चों का एक टेस्ट लेता है। सोआ क्लास में बच्चों को देख रही होती है, पर तभी एक डिमोनिक हाथ सोआ के बालों को टच करता है। सोआ पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता, पर जब वो आगे मुड़ती है तो लाइट चली जाती है और सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। सोआ को अब एक एंटिटी दिखाई देती है जो बड़े ही क्रीपी तरीके से आगे बढ़ती है। वो एंटिटी अचानक ही सोआ पे अटैक कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है, और फिर वो एंटिटी सोआ के मुंह के अंदर अपनी उंगलियां डालने लगती है। पर तभी क्लास के बच्चे सोआ को होश में ले आते हैं जिसके ऊपर एक मैनिकन गिर गया था। अब सोआ उठ के खड़ी होती है, पर वो उठते के साथ ही फिर से बेहोश हो जाती है। अब बेहोशी की हालत में सोआ को एक सपना आता है जिसमें वो उसी लड़की के साथ खड़ी होती है जिसने सुसाइड कर लिया था। वो लड़की सोआ के सामने ही सुसाइड कर लेती है और सोआ के सर पे बहुत सारा खून गिरने लगता है। सोआ चिल्लाती है और वो नर्सिंग रूम में जाग जाती है। थोड़ी देर बाद सोआ के पास आता है बुयंग, और अब सोआ उससे पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। बुयंग सोआ को अब बताता है कि वो उसे पसंद करता है क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ सोहा ही उसकी एक दोस्त है, और बुयंग ये भी बोलता है कि वो किसी भी इंसान को उन दोनों के रिश्ते में नहीं आने देगा। सीन अब रात के टाइम पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ताइग्यू नशे की हालत में घर जा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था और फिर वो एक जगह बैठ जाता है, और तभी पीछे से कोई उस पे ईंटें फेंकने लगता है। ताइग्यू अब खड़ा हो जाता है, पर तभी बुयंग ताइग्यू पे हमला कर देता है और उसे ईंटों से पीट पीट कर बुरी तरीके से मार डालता है। इसके बाद हमें सोआ को दिखाते हैं जिसकी रात के टाइम आंख खुल जाती है क्योंकि एक डिमोनिक एंटिटी उसके कमरे में छानाबीनी कर रही थी। सोआ अब तुरंत ही लाइट जलाती है और वो एंटिटी गायब हो जाती है। सोआ अब देखती है कि उसका मेन डोर खुला हुआ है जिसे वो जाके लॉक करके आती है। वो फिर वापस सोने के लिए जाने लगती है, और वो जैसे ही लाइट बंद करती है वो एंटिटी उसके पास ही बैठी हुई थी, जिसे देखकर सोआ बुरी तरह डर के चिल्लाती है और अब वो पूरी रात लाइट जलाकर सोती है। अगले दिन स्कूल में सोआ को पता चलता है कि ताइग्यू की मौत हो गई है, और इस सब के बाद सोआ जाती है अपनी शमन के पास मिलने के लिए, जहाँ पे सोआ सब कुछ अपनी शमन को बता देती है। वो शमन अब बताती है कि हो सकता है कि जो एंटिटी स्कूल में अब घूमती है उसी ने बुयंग को पोजेस कर लिया हो, और बुयंग के साथ असल में क्या हुआ है ये तो सोआ को उसकी माँ ही बता सकती है। और अब सोआ को याद आता है कि बुयंग की माँ ने उसे वार्निंग्स दी थी जब सोआ ने बुयंग को आज़ाद कर दिया था।
था। अब इसके बाद सोआ वापस घर जाती है जहाँ पे उसे एक और बार फिर से वो एंटिटी दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद मिंजी सोआ के घर आती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे हर जगह भूत दिखाई दे रहे थे और इसलिए मिंजी रात के टाइम सोआ के पास ही रुकती है। इसके बाद नेक्स्ट डे एक बार फिर से सोआ जाती है बुयंग के घर ताकि वो उसकी माँ से बात कर सके। सोआ इस बार बिना परमिशन के ही अंदर घुस जाती है और वो घर के अंदर पहुँचती है जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। सोआ देखती है कि बुयंग का पूरा घर काले जादू की चीज़ों से भरा हुआ है और बुयंग की माँ भी घर में कहीं भी नहीं होती। अब तभी बुयंग घर में एंटर करता है और सोआ तुरंत ही एक क्लॉजेट में घुस जाती है। उस क्लॉजेट में जैसे ही सोआ अपने फ़ोन की लाइट जलाती है उसे मिलती है बुयंग की माँ की लाश, पर सोआ के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि क्लोजेट के अंदर बुयंग की लाश भी पड़ी हुई है और इसका मतलब उस एंटिटी ने बुयंग को बहुत पहले ही मार दिया है और वो बस हर जगह बुयंग का रूप लेके घूम रही है। अब तभी बुयंग के रूप में वो एंटिटी सोआ को ढूंढ लेती है और सोआ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा असली रूप क्या है। बुयंग सोआ को बोलता है कि जो उसे पता है वो तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो बस अब एक शुरुआत है। इसके बाद सोआ वहाँ से भागने लगती है पर बुयंग उसे पकड़कर गिरा देता है। बुयंग अब सोआ को बोलता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाली, पर तभी सोआ एक चाकू को बुयंग के पेट में मार देती है। बुयंग के मुंह से अब खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और सोआ को लगता है कि उसने उस एंटिटी को मार दिया और वो वहाँ से चली जाती है। अब उस रात को वो शमन सोआ को अपने पास बुलाती है और सोआ भी शमन को जाके सब कुछ बता देती है, पर अब वो शमन बताती है कि जो एंटिटी स्कूल में है वो ऐसे बच्चों का शिकार बनाती है जिनसे कोई भी बात नहीं करता और फिर वो एंटिटी उन बच्चों को मारकर उनकी जगह ले लेती है। शमन ये भी बताती है कि वो एंटिटी हमेशा एक रूप में नहीं रह सकती और इसलिए वो जल्दी ही अपने नए शिकार को मार डालेगी और उस एंटिटी को खत्म करना भी आसान नहीं है। सोआ को अब लगता है कि शायद वो एंटिटी अभी भी जिंदा होगी और फिर नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है पर बुयंग क्लास में नहीं आया था। स्कूल में उस पूरा दिन कुछ भी नहीं होता और छुट्टी में युनमी सोआ को रोक लेती है और युनमी सोआ को अपनी एक फ़ोटो दिखाती है जो आज ही उसने क्लासरूम में खींची है, पर अजीब बात तो ये होती है कि बुयंग भी उस फोटो में था पर असल में बुयंग क्लास में आया ही नहीं था और अब सोआ डरने लगती है। सोआ अब जाके एक नए टीचर से मिलती है जो आज स्कूल में आया था। थोड़ी देर बाद वो टीचर वहां से चले जाता है और टीचर्स रूम के बाहर सोआ को बुयंग दिखाई देता है जो उसी नए टीचर में बदल जाता है और सोआ समझ जाती है कि वो एंटिटी अभी भी जिंदा है और अब उसने नए टीचर का रूप ले लिया है। अब कुछ टाइम तक स्कूल में सब कुछ ठीक रहता है क्योंकि वो जो नया टीचर था वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए स्कूल में आया था, पर फिर कुछ दिनों बाद सोआ को उसी स्कूल में फुल टाइम जॉब मिल जाती है। बच्चों की क्लास का एक नया बैच शुरू होता है और सोआ बच्चों की अटेंडेंस लेती है और क्लास में हाइजू नाम की एक नई लड़की होती है जिसका रोल नंबर 11 था और उससे भी क्लास में कोई भी बात नहीं करता था। सोआ को हाइजू पे थोड़ा शक होता है और जब वो लंच में डेस्क पे बैठी हुई होती है तो उसे अपने पास वही वाइट मार्क दिखाई देता है। सोआ अब उस मार्क को देखकर डर जाती है और तभी उसके सामने आ जाती है वो एंटिटी जो बुयंग के रूप में थी। बुयंग बोलता है कि ये तो खेल की शुरुआत है और फिर वो बदल जाता है हाइजू में और इसका मतलब उस एंटिटी ने ओरिजिनल हाइजू को मार दिया है और अब हाइजू का रूप ले लिया है और अब वो एंटिटी फिर से पूरे स्कूल में तहलका मचाएगी और इस बार वो सोआ को भी नहीं छोड़ेगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द चाइल्ड हु वुड नॉट कम बैक मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी, पर अगर इसमें थोड़े और हॉरर सीन होते और हमें उस एंटिटी के बारे में डिटेल्स पता चलती तो ये मूवी कमाल की हो सकती थी। मेरे ख्याल से वो एंटिटी हर साल एक नए बच्चे का रूप ले लेती है और लोगों को मारती है, पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।